कि जैसे भी आदमियों ने तो अपनी जान बचा ली है, प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं दी है। यहाँ पर कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। आज तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हुए नहीं है, अभी भी यहाँ काफी पानी भरा हुआ है, यहाँ प्रशासन ने कोई सहायता भेजी नहीं है। मैं शांति, मेरा नाम गोवर्धन पंडित है। हाँ। मैं शांति आश्रम का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरे यहाँ कभी अभी तक यहाँ प्रशासन ने कोई सहायता भेजी नहीं है। पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए हमने अपनी जान बचाते हुए अपने सामान को ताले में बंद करके पलायन यहाँ से कर दिया है। मैं प्रशासन से, कल मेरी SDM साहब थे, यानी CO सिटी साहब थे, इलाके के दरोगा जी थे, तो मैंने उनके आगे एक समस्या रखी कॉलोनी की, जो हम लोगों का सामान पड़ा हुआ है ताले में बंद, यहाँ चोरी होने का काफी डर है। मैंने प्रशासन से एक गुहार लगाई कि साहब हमारे सामान की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेते हैं, तो साहब मेरे से बोले कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बावजूद भी अभी मैंने यहाँ आके देखा है तो हल्ला हो रहा है, किसी की चोरी हुई है। अच्छा, मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे सामान की क्या गारंटी ले रहे हैं कि हमको हमारा सामान बाढ़ खत्म होने के बाद वापस मिल जाएगा। लगभग कितने मकान हैं आपकी तरह जो बाढ़ में डूबे हुए हैं? मैं आपको अवगत करा दूं, ये कॉलोनी काफी गरीब लोगों की है। प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हुए हैं, प्रधानमंत्री की 2.5 लाख की सहायता लेके सबों ने अपने मकान आशियाना खड़ा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हुए नहीं है, अभी भी यहाँ काफी पानी भरा हुआ है। नाप वालों से कहते हैं नाप ले जाइए, हमको अपना मकान दिखवा दीजिए। लगभग कितने परिवार और कितने सदस्य जो है वो परेशान हैं और इस बाढ़ से वो पीड़ित हैं? यहाँ पर कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। अपनी जान बचाने के चक्कर में जैसे भी उनका मौका लग रहा है वो यहाँ से अपने पलायन कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रशासन से फिर एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि जैसे भी आदमियों ने तो अपनी जान बचा ली है, प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं दी है, उसके बावजूद जो हमारा रखा हुआ सामान है कम से कम उसको तो हमको वापस दिलवाने की कृपा करें। ऐसा नहीं हो कि चोरी हो जाए। हम इस समय एक तरह से देखा जाए तो इस समय हम सड़क पर आए हुए हैं। चोरी कौन कर सकता है, सब आपके जैसे ही हैं परेशान लोग? नहीं, डर है। यहाँ बहुत सी नावें ऐसी चल रही हैं जिससे हमको खतरा है कि ऐसा नहीं हो कि हमारा सामान रात को चोरी हो जाए। प्रशासन ने और क्या मदद की है? प्रशासन ने, अभी तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो कोई ऐसी मदद देख रहा नहीं हूँ। कल रात को 9 बजे मेरे से कह रहे थे, यहाँ मैंने आशियाना बना दिया है और खाने की व्यवस्था की है, तो काफी दूर की है इस कॉलोनी से, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। चलिए ठीक।